शहीदों की याद में बनेगा शहीद स्मारक। 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया गया। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जो 12 मार्च को भारत के विभिन्न राज्यों से शुरू हुई और किसानों के समर्थन में और 3 किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग के लिए आज मिट्टी सत्याग्रह यात्रा की एक टुकड़ी सुबह 4-5 बजे शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर पहुंची। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के संयोजक डॉक्टर सुनीलम एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर के नेतृत्व में शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर पहुंची। बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के साथ ही भारत के हजारों गांव और ऐतिहासिक स्थानों से मिट्टी लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर आए हैं। इस मिट्टी से किसान आंदोलन में शहीद हुए 350 से ज्यादा किसान योद्धाओं की स्मृति में स्मारक बनाया गया है। किसान की बेटी आई है, 25 जिलों की मिट्टी लाई है और मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। जैसे कि सत्याग्रह की जो यात्रा है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में और जिन जिलों की मैं मिट्टी लेकर आई हूँ वहाँ जहाँ जहाँ से मिट्टी लेके ये यात्रा वहाँ पे जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन से? आपको क्या लग रहा है? आंदोलन इतना लंबा हो गया, जब जब कोई आंदोलन लंबा हो गया, मजबूत हो गया और हर उस सरकार का दिमाग ठीक हो गया जो देश की जनता के अधिकारों को छीने है और कट्टरता अपना पे जैसा हिटलर ने अपनाई थी, तो हर उस व्यक्ति का पतन होता है, विरोध होता है और जहाँ से घमंड शुरू हुआ वहाँ पतन शुरू हो गए। इन्हें घमंड आ गया सरकार को, अब इनका पतन शुरू है। लगातार इतने लंबा समय हो गया आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार कहीं सुनने का नाम नहीं ले रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी? फंसे हुए हैं वे, इधर तक किसान का प्रेशर दिमाग काम नहीं कर रहा उनको, उधर उद्योगपति इनका जिनको बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, जिनके वेयर हाउस बनवा रखे हैं बड़े बड़े, अब डिस्टर्ब हो रहे हैं वे, अब समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें। तो पहले इलाज करवा ले, सरकारी सुविधाएं मंत्रियों को बहुत ज्यादा मिले, वहाँ देख ले। मैडम, ये भी राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान सीमा में बढ़ रहे हैं वो कोरोना टेस्ट करा बढ़े हैं, क्या आप भी आज राजस्थान बॉर्डर में बढ़े हैं तो कोरोना टेस्ट करा बढ़े हैं? भैया मेरे से तो यहाँ पे किसी ने नहीं कही, मैं झूठ बोलने लगू वैसे झूठ ना बोलती हूँ, मेरे से नहीं कही जिसको कही होगी कही होगी, आरो ना करो ना वहाँ ना हो रहा, कोरोना कितना समझदार बीमारी है, देखो ना कितनी समझदार है। जहाँ बीजेपी की रैली होती है वहाँ नु कहते मैं नहीं आऊंगा, पहले तुम अपनी रैली खत्म कर लो बाद में आऊंगा, और जहाँ किसानों के अधिकार की युवाओं के अधिकार की अपने हक की आवाज उठाने लग जाए वहाँ कोरोना चलो जा, कितने समझदार वायरस है आपकी मेरे से बड़ी उम्र है बड़े भाई, आप यू बताओ आपने देखा इतना समझदार बीमारी और वायरस नहीं देखा होगा, पूरे देश की जनता ने छोड़ा वर्ल्ड की ने नहीं देखा, वहाँ तो ना कह रहे कि यहाँ कोरोना चार आदमी इकट्ठे मत होना, वहाँ रैली हो रही है इतनी तगड़ी तगड़ी बंगाल में भी, इनकी वहाँ ना हो रहा कोरोना, क्या एजेंडा है, देश का नाश करना चाह रहे हैं और कोई एजेंडा नहीं है? आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? सब एक है माननीय मोदी जी और सरकार के जितने भी वक्ता है नुमाइंदे और कुछ वे भी जो तलवे चाट है वे भी ध्यान से सुन ले, अगर तुम्हारा यू ही रवैया रहा तो जैसे 2 सीट आएक रही ना पहले इनकी आएक रही ना सरकार की बीजेपी की, वे 2 भी ना आने की ध्यान रखें इस बात।